मानसून की बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर उभरे गड्ढों को लेकर खूब सियासत देखने को मिली थी। वहीं शासन और प्रशासन की तरफ से सड़कों के गड्ढे भरने का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई गोवा हाईवे का निरीक्षण करने खुद मैदान में उतर गए। आपको बता दें कि मुंबई गोवा हाईवे पर बड़े पैमाने पर गड्ढे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वहीं मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हालात का जायजा लिया और जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए। सीएम ने संबंधित एजेंसियों को गणेशोत्सव से पहले इस हाईवे को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वे इस बात की भी समीक्षा कर रहे हैं कि वे इस सड़क के गड्ढों को तुरंत भरने के लिए रैपिड क्विक सेटिंग हार्डनर यानी M16 का उपयोग करने का निर्देश दिया है। दुर्भाग्य से गडकरी साहब ने खुद भी बहुत ध्यान दिया, उन्होंने लोन भी सैंक्शन करवा लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसी की लापरवाही से कई कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने अच्छा काम किया, जो गलत है उन्होंने गलत और उनके वजह से भुगतान करना पड़ा। इसलिए ये इस पे आज हम लोग यहाँ पर जो गणपति में तकलीफ ना हो हमारे कोकण वासियों को, गणेश भक्तों को, इसलिए एक 3-4 मेथड से हम लोग एक जियो फाइबर टेक्नो पैच पे एक M60 का हार्डनर है, रैपिड एक्शन, उसको रैपिड एक्शन ने अभी देखा है, ये तुरंत सेट हो जाता है। और तीसरा बात है प्रिकास्ट और चौथा है DLC का, तो इसमें हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आप सामने देखो ये जो गड्ढा है एक घंटे पहले भरा है और उस गड्ढा पे शुरू हो गया, यह गड्ढे भर रहे हैं, तो एक केमिकल के और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि इसमें जरूर हमारी जो टीम है ये कामयाब हो जाएगी और गणेश भक्तों को ये गड्ढे मुक्त रास्ता जो है ये मिलेगा। जितना कोशिश हम करेंगे गणपति पहले इसको पूरा